वीडियो बन देखने वाले को सभी को राम राम। जैसे कि हमने 6 तारीख को ये बताया था कि सुदमादेव में श्री महारुद्राय का आरंभ उस दिन भूमि पूजन किया करवाया गया, और आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख को यहाँ गौरीकुंड में ये पहुँचे हुए हैं, और यहाँ से कलश भरकर फिर वापस सुदमादेव की तरफ ले जाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं ये आप सीधा गौरीकुंड से देख रहे हो, और यहाँ पर गौरीकुंड में ये यात्रा पहुँच चुकी है। यहाँ से कलश भरकर देव का घाट है गौरीकुंड में, यहाँ से कलश भरकर सुदमादेव की तरफ लिए जाएंगे। ये आप कुछ तस्वीरें देखें। Hare Hare Bole Namah।
और यहाँ से गौरीकुंड से कलश भरते हुए सुदमादेव में पहुंचेंगे। वहां पर कल से हवन यज्ञ आरंभ हो जाएगा और इसके बाद भगवान शिव का जो मंदिर है सुदमादेव में वहां पर जाएंगे।
पंडित जी ये बताएं कि आज आपने यहाँ गौरीकुंड से कलश यात्रा निकाली गई और जो कल 11 तारीख है कितने दिन ये यज्ञ चलेगा? शिव शंकर भगवान की जय। ओम शांतं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचभक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुं भैदं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं चाकुशं वामभागे नानालिङ्गलङ्कार दीतां स्फटिकमणिमं पार्वतीशं नमामि। आय का जो हमारा कार्यक्रम था महादेव जी का रुद्र यज्ञ महारुद्र यज्ञ जो सूद महादेव में है, इसमें आज हमने कलश यात्रा सूद महादेव से गौरीकुंड और गौरीकुंड से कलश भर के हमने सूद महादेव में, और उसके बाद हम महादेव जी के भोलेनाथ जी के दर्शन और परिक्रमा करते हुए यज्ञ मंडप के की परिक्रमा की, उसके बाद हमने कलश जहां पर स्थापित की और आय का हमारा ये कार्यक्रम, और सायं आरती जो 8 बजे उससे पहले 7 बजे से हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे विश्व कल्याण के लिए। तो हनुमान जी हमारी जो बाधाएं हैं जो हमारे जीवन में जो भी विघ्न हैं उन विघ्नों को हरें और हर प्रकार के हमें सुख शांति प्रदान करें, बच्चों को दीर्घ आयु सद्बुद्धि प्रदान करें, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी दीर्घ आयु और आरोग्यता प्रदान करें, उनके जीवन में भी शारीरिक जो कष्ट है जो मानसिक कष्ट हैं उनसे भी भगवान उनकी रक्षा करें। तो ये जो हमने महारुद्र यज्ञ रखा है विश्व शांति के लिए विश्व के कल्याण के लिए, इसमें पूरे विश्व में शांति हो, जो जहां हमने ब्राह्मण एकादश ब्राह्मण बुलाए हैं उनके द्वारा जो रुद्राभिषेक जो रुद्र रुद्राष्टाध्यायी का जो पाठ है शुक्ल यजुर्वेद में उसका पाठ
नित्य प्रति किया जाएगा वो लगातार ये 11 दिन आज से लेकर 20 तारीख तक चलेगा। और सुबह 9 बजे से गणेश पूजन होगा, उसके बाद जो भी वैदिक क्रियाएं जो हैं, सबसे पहले गणपति जी का पूजन, पंचोमकार देवताओं का पूजन, कलश देवता का पूजन, जो वहां से कलश लाए हैं वरुण देवता, जल के देवता, नदियों समुद्रों का, तीर्थों का और गंगा माँ का जहाँ पूजन करेंगे। उसके बाद यज्ञशाला में आपने देखा होगा कि जो हमने स्तंभ बनाए हैं जिसके ऊपर ये यज्ञशाला खड़ी की हुई है, उसमें सभी देव देवताओं का वास रहता है, तो उन देव देवताओं का भी हमें विधिवत उनका भी पूजन करेंगे। उसके बाद वास्तु देवताओं का पूजन होता है, नाग देवता का पूजन, जो धरती के मालिक हैं नाग देवता, हमारे कुल देवता भी हैं, सभी के कुल देवता हैं, उनका हम पूजन करेंगे। उसके बाद उनकी स्थापना की जाएगी कल से। तो उसके बाद चतुष्षष्ठी योगिनी माता काली लक्ष्मी सरस्वती माता रानी के जितने भी स्वरूप हैं उनका हम पूजन करेंगे। उसके बाद क्षेत्रपाल देवता जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, मान लो कि क्षेत्र जगह का भी रक्षा, जगह की रक्षा होती है, और हमारे क्षेत्र जिस कार्य क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उसमें जो बाधाएं हैं विघ्न हैं उन बाधाओं को हरने वाले क्षेत्रपाल देवता हमारे क्षेत्र की हमारे कारोबार में वृद्धि करें, उनका पूजन। और नवग्रहों का पूजन किया जाएगा। नवग्रहों का पूजन इसलिए किया जाता है कि जैसे भी जीवन में कोई हमारे बाधाएं आती हैं, बाधाएं तभी आती हैं जब हमारे कर्म कोई अच्छे नहीं हो, जीवन में हमसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, तो हमारे नवग्रहों के द्वारा ही हमें दंड दिया जाता है। तो नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रहों का पूजन किया जाएगा। फिर अग्नि स्थापना की जाएगी, अग्नि देवता कुंड का पूजन किया जाएगा, विश्वकर्मा जी का पूजन इसमें होता है वो किया जाएगा, और यज्ञमालाओं का पूजन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी चार वेदों का पूजन होता है यज्ञ में, तो उनका पूजन किया जाएगा, ब्राह्मणों का पूजन किया जाएगा, गौ माता का। आज हमने जो किया नांदी मुख श्राद्ध किए जाते हैं पितरों के लिए, जो पितर हमारे इस दुनिया में नहीं है, जो स्वर्ग दार गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये उन पितरों का पूजन किया। सिर्फ पितरों का ही पूजन नहीं है, जहाँ हमारे जो बॉर्डर पर जो सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी हमने प्रार्थना की कि उनको भी भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में अपने चरणों में स्थान दें। जिन माताओं के छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं उनके लिए भी हमने प्रार्थना की कि भगवान उनको भी अपने चरणों में स्थान दें, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में उनके उन्हें अपने चरणों में रखें, उन्हें शांति प्रदान करें। तो इसमें देवताओं का, ऋषियों का भी पूजन किया, और फिर ब्राह्मणों का पूजन। तो कल ये सब हम पूजन करेंगे, और सर्वतो भद्र मंडल दिष्टात्री देवताओं का पूजन। सर्वतो भद्र मंडल क्या होते हैं कि हर प्रकार के कल्याण जो करने वाले देवता हैं उसमें स्थापित रहते हैं, और लक्ष्मी नारायण जी के साथ हैं उनका पूजन होगा। फिर महादेव भोलेनाथ जी का, नंदीगण, वीरभद्र जी, स्वामी कार्तिकेय, कुबेर, कीर्तिमुख, सभी देव देवताओं का, नाग देवता का, और गौरी माँ के साथ भगवान भोलेनाथ जी का पूजन किया जाएगा। उसके बाद हम हवन किया जाएगा। सायं के समय जो है 6 बजे से लेकर जो सत्संग का समय रखा है हमने, और 8 बजे तक सत्संग चलेगा। हवन का जो समय है वो 12 बजे के बाद, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक नित्यव्रति पूजन क्रियाएं सब विधियां की जाएंगी। उसके बाद बीच में फलाहार का कुछ समय मिलेगा, कोई 15-20 मिनट, उसके बाद फिर हम आकर जहाँ अग्नि पूजन के बाद हवन। एकादश कुंड 11 कुंड हैं, एकादश जैसे रुद्र देवता हैं, तो ऐसे ही एकादश ब्राह्मणों के द्वारा 11 ही ब्राह्मण हैं, 11 ही रुद्र हैं, और 11 ही यहाँ कुंड हमने यहाँ उनका स्थापित किए हैं, और उनका हवन पूजन होगा। धन्यवाद।